व्यूअर्स अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो रिवाइज है वो है बोया बाय MM1। जी हाँ, एक बहुत ही खास माइक्रोफोन है और मैंने इसे अमेजन से परचेज किया है और इसे आप भी परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है, एक बजट कैटेगरी में आता है ये बोया बाय MM1। जिस आपके साथ इस जो बोया माइक्रोफोन है ये आप आसानी से अपने DSLR के साथ हो या फिर अपने स्मार्टफोन के साथ इसे कनेक्ट करके मतलब साउंड हो या वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत ही खास डिवाइस है, तो चलिए इसी डिवाइस को अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसी के बारे में क्या है इसके प्राइस और ये मैंने जो अमेजन से परचेज किया है इसका प्राइस कितना मुझे पड़ा है। इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके बाद इसी माइक्रोफोन से मैं यहाँ पे टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका क्वालिटी कैसा है अपने DSLR पे लगा के। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पे नए आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कुछ इस तरीके से हमें ये Amazon.in से ये बॉक्स हमें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पैक किया गया है। अंदर क्या कुछ हमें मिलता है देखते हैं, चलिए इसे अनबॉक्सिंग करके। और फिलहाल यहाँ पे चारों तरफ Amazon.in लिखा गया है और चलिए यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पे जो Amazon से पैक किया गया है इसे हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो जो बिल है इससे दिया गया है। और यहाँ पे इसी माइक्रोफोन को प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे पैक किया गया है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि अमेज़न वालों ने इसे ख़राब ना हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैक किया गया है। और ये देख सकते हो बोया BY MM1 का बॉक्स कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ऊपर इसी माइक्रोफोन का लोगो लगा हुआ है, देख सकते हो काफ़ी सारा स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि जो बोया माइक्रोफोन है इसका फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में लिखा गया है। और बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है, यहाँ पे बोया BY MM1 यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन है ये आसानी से कंपेटिबल हो जाता है अपने स्मार्टफोन के साथ, टैबलेट के साथ या फिर PC के साथ आप कनेक्ट करके इससे मतलब वीडियोज़ हो ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इसके बारे में लिखा गया है, जैसे कि ये आसानी से स्मार्टफोन टैबलेट्स DSLR कंज्यूमर कैम रिकॉर्डर्स ऑडियो रिकॉर्डर्स के साथ ये फिट हो जाता है। उसके बाद ये लाइट वेट है और इसके साथ आपको यहाँ पे बैटरी का कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, आसानी से इसे आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब चलिए फिलहाल इसी डिवाइस को अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हमें कंटेंट्स देखने को मिलता है। और जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से हमें ये माइक्रोफोन नज़र आता है, यहाँ पे देख सकते हो हमें ये जो बोया BY MM1 है ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है, एक बहुत ही लाइट वेट के साथ ये माइक्रोफोन है। बाकी कुछ कंटेंट्स आपको मिलता है, जैसे कि इसमें DSLR पे फिट करने के लिए ये कुछ दिया गया है इक्विपमेंट्स, उसके अलावा दो केबल आपको यहाँ पे मिल जाता है ये DSLR पे फिट करने के लिए है। और दोनों ही जैक अलग अलग यहाँ पे स्मार्टफोन के लिए अलग है और DSLR के लिए अलग है। और ये जो आप केबल देख रहे हो इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से आपको बाकी एक यहाँ पे कवर देखने को मिलता है जो इसी माइक्रोफोन को यहाँ पे रख सकते हो। और मुझे इस माइक्रोफोन की खास बात ये लगी कि इसके साथ आपको यहाँ पे एक विंडशील्ड फ्री मिल जाता है, इसके साथ इंक्लूड है, जिससे अपने नॉइस कैंसिलेशन जो है ये बहुत ही कम करता है ये विंडशील्ड। इसे यूज़ कर सकते हो अगर आउटडोर कोई शूट कर रहे हो जिसके विंड का जो साउंड है ये ताकि ना मिले आपको, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिट भी हो जाता है विंडशील्ड और ये आप इस माइक्रोफोन के साथ फ्री मिल जाता है। अब चलिए फिलहाल इसी माइक्रोफोन को यहाँ पे DSLR पे फिट करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, लाइव यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चल और कुछ इस तरीके से आसानी से इसे अपने DSLR के साथ कुछ इस तरीके से फिट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दिखाऊंगा इसे फिट करके कि किस तरीके से आवाज़ आती है इसी माइक्रोफोन का। फिलहाल जो आपको यहाँ पे वीडियोस का आवाज़ सुनाई दे रहा है वो मेरा जो कैनन 80D कैमरा है, DSLR कैमरा, इसका जो माइक्रोफोन है इसी का आवाज़ है। अब चलिए जो यहाँ पे बोया
बाई MM1 का जो मैंने यहाँ पे परचेज किया है, इसका साउंड जो मैंने यहाँ पे फिट किया है, चलिए यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। और फिलहाल जिस माइक्रोफोन से मैं शूट कर रहा हूं वो है बोया बाय MM1 का माइक्रोफोन से वीडियो शूट कर रहा हूं, और इसका आवाज सुन सकते हो बहुत ही डिफरेंट आपको लगेगा जो DSLR का कैमरा का माइक्रोफोन है और इसमें। और पहले जो मैं वीडियोस या फिर साउंड रिकॉर्ड करता था बोया का ये बाय M1 जो माइक्रोफोन था लेवलियर, इसी से मैं यहाँ पे शूट करता था। और इसका बहुत ही ज्यादा लंबा है, 20 मीटर का है ये, यानी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और ये जो माइक्रोफोन है ये आसानी से DSLR के साथ खास करके फिट हो जाता है, आप ब्लॉगिंग करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा आपका काम आने वाला है, तो इसे आप यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इसी माइक्रोफोन की प्राइस के बारे में। ये जो परचेज किया है मैंने amazon.in से परचेज किया है और जिसका मुझे इफेक्टिव प्राइस पड़ा 1550 रुपीज, काफी कम कीमत में मैंने इसे ऑर्डर किया है। पहले इसका प्राइस जो था बहुत ही ज्यादा था, लगभग 2500-3000 के आसपास में ये डिवाइस आता था, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे amazon.in से इसे परचेज किया है जिसका मुझे 1550 रुपीज पड़ा। तो यही ना दोस्तों इसी प्रोडक्ट के बारे में, इसी माइक्रोफोन के बारे में अनबॉक्सिंग करके डिटेल्स के साथ इसी माइक्रोफोन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसे लेकर कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो नीचे कॉमेंट करना ना भूले। तो चैनल पे बने रहिएगा गाइस, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।